बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल के अंदर फार्मूलास टैब के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं वॉच विंडो के बारे में। आपके सामने यहाँ पर ये कुछ लिखाई लिखी हुई है, इसको मैं अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, वॉच विंडो के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ वॉच विंडो के अंदर, ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पर इस तरह से ये ऐड हो चुका है। देखिए, अगर मैं किसी और शीट के ऊपर आता हूँ, इसका फायदा क्या है? अगर आप यहाँ पर रिमार्क्स के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, देखें इस स्पेशल जो आपने लव्स ऐड किए थे उसी लव्स के ऊपर आने के लिए। इसके और भी फायदे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने एक नई शीट खोली हुई है, यहाँ पर आपने कोई भी हिसाब किताब करना है, तो यहाँ पर देखें इस सेल का नाम E6, F6 और G6 भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनका हिसाब किताब करना है तो सेल नेम भी आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर शीट नेम भी आपको नजर आ रहा है, इस शीट का नाम था चार्ट तो ये आपको नजर आ रहा है, और जो वर्कबुक है ये देखें टेक्स्ट फार्मूलाज तो उसका नाम भी यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर आप इस वैल्यू के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करें तो आप फौरी तौर पर आप उस वैल्यू के ऊपर भी जा सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस सारे को सिलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा है वॉच विंडो के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और शेयर करें।